आज कोरोना वायरस को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच में मुस्लिम समाज का पवित्र माह रमजान आ रहा है। इसके चलते स्थानीय व आसपास गांव से मुस्लिम समाजजनों को बुलाकर पुलिस थाना घटिया में शांति समिति की एक बैठक रखी गई। इसमें SDM पुरुषोत्तम कुमार व DSP अरविंद तिवारी ने मुस्लिम जन से कहा कि रमजान शांति से मनाएं व घर पर ही नमाज अदा करें, मस्जिद में 2 या 3 ही लोग नमाज पढ़ें। वहीं DSP अरविंद तिवारी द्वारा मुस्लिम जन से कहा गया कि कोरोना को लेकर लॉकडाउन चल रहा है, पूर्व में जो नॉर्मल रूटीन में आकर नमाज पढ़ रहे थे उसी तरह न घर जाकर नमाज पढ़ें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर नमाज पढ़ी जाए ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था बीमारी ना फैल सके। वहीं मस्जिद व रमजान से जुड़े सवालों के जवाब के लिए मुफ्ती आबादी कुरैशी को खासतौर पर आमंत्रित किया गया। इन्होंने कोरोना वायरस महामारी से रमजान में रोज़ा नमाज किस तरह अदा करना चाहिए ये समझाया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने मुस्लिम समाज से कहा कि आप सभी से गुजारिश है कि रमज़ान के पवित्र माह में दुआ करें कि इस कोरोना जैसी महामारी से जल्द निजात मिल सके ताकि जनजीवन सामान्य हो जाए। इस मौके पर तहसीलदार शिवराम कनासे, थाना प्रभारी DS चौहान, नायब तहसीलदार लोकेश चौहान, मुफ्ती आबाद कुरैशी, हाजी मुश्ताक खान, अब्दुल वहाद खान, हाजी मुनीर खान आदि मौजूद रहे। घटिया से ताहिर मंसूरी की रिपोर्ट। आगामी 24 या 25 तारीख से रमजान का पवित्र माह प्रारंभ हो रहा है और वर्तमान में कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें इंदौर, भोपाल और उज्जैन रेड जोन में है। इसलिए सभी मौलाना और यहाँ के सिद्धांत जो नागरिक हैं उनको बुलाया गया था ताकि हम उनको बता सकें कि लॉकडाउन के दौरान ये जो नॉर्मल रूटीन में ये आकर के मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे वो नमाज मस्जिद में ना आकर के अपने अपने घरों पर पढ़ें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए नमाज पढ़ें ताकि किसी प्रकार की आगे अव्यवस्था या बीमारी आगे ना बढ़ सके। कितने लोगों की अनुमति हुई है सर? अभी जो मस्जिद में नॉर्मली ये बताया गया कि 3 लोग रहते हैं, एक मौलाना जी रहते हैं, एक साफ सफाई वाले रहते हैं और तीसरे अजान करने वाले, तो कुल मिला के मैक्सिमम 3 लोगों को परमिशन है कि वो 3 लोग मस्जिद में रह सकते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, बाहर के किसी व्यक्ति को अलाउ नहीं करेंगे। सभी को यही कहा गया है कि एक तो इस रमज़ान के दौरान जो है सभी अपने घरों में ही रहें, घरों में ही जो है नमाज अदा करें और मस्जिदों में जो है केवल वहाँ जो 1-2 लोग रहते हैं वहाँ वही नमाज अदा करेंगे और बाहर जनता का कोई भी आदमी मस्जिद में नहीं जाएगा। और ये राशन की और फल फ्रूट की क्या व्यवस्था की? इसके संबंध में इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया था कि फलों की आपूर्ति जो है बराबर होती रहे, इसके संबंध में हम लोग दुकानदारों से बात कर लेंगे और आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। जी, यहाँ पे अभी घटिया थाने पे बैठक हुई है, सभी अधिकारी SDM साहब भी थे, DI साहब थे और अन्य अधिकारी लोग थे यहाँ पर। उसकी मौजूदगी में इलाके के तमाम भाइयों को जमा फरमाया था। उसमें यह हुआ कि रमज़ान जो आ रहे हैं अभी, जिसका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं, उसमें इबादत का अहतमाम होता है, इतकाफ का होता है, रोजे का होता है। इसके मुताबिक प्रशासन ने कोरोना वायरस को लेके बड़ी एहतियाती को जो है इख्तियार करने के लिए कहा है और उसमें हमने भी अपनी कौम को ये इस चीज़ के ऊपर आमादा किया है कि भाई प्रशासन की तरफ से जो हिदायत दी जा रही है, जिन चीज़ों पर अमल करने के लिए बताया जा रहा है उन चीज़ों के ऊपर अमल किया जाए। और रहा मसला नमाज का, तो जिन लोगों को प्रशासन ने नमाज़ पढ़ने के लिए तय करा है वो 3 लोग वहाँ पे अजान देकर अपनी नमाज़ पढ़ ले, उसके अलावा दूसरे जो हमारे भाई हैं वो अपने अपने घरों पे ही फासला बनाकर अपनी नमाज़ों को अदा करें, तरावी को अदा करें। इंशाल्लाह हम ये अमल करने से हमारे इस देश का, हमारा खुद का